द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज काशीपुर में धर्म यात्रा महासंघ के नेतृत्व में चीन का पुतला फूंका गया और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि मंगलवार देर शाम भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर योजनाबद्ध तरीके से हमला कर दिया, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के हमले की खबर सुनते ही लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री किशन कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उसका पुतला आग के हवाले किया। इस दौरान धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री किशन कुमार अग्रवाल ने बताया कि चीन द्वारा साजिश रचते हुए इस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सम्मान को ना झुकने देने के फैसले का समर्थन करता है और उनके साथ खड़ा है। 15 जून की रात्रि के अंधेरे में चाइना के सेनानियों ने भारत की सीमाओं पर मंगला गांव के ऊपर रात के अंधेरे में सुनियोजित ढंग से हमारी सेनाओं के ऊपर हमला किया और हमारे 20 जवान उसमें शहीद हुए। यद्यपि हमारे जवानों ने भी जमकर उनका मुकाबला किया और लगभग 42-43 जवान उनको मौत के घाट उतारा हमारे जवानों ने भी, लेकिन ये चीन का कायराना हमला हम कभी भी, हमारे देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं है। और हम इस विषय में अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और जो बात उन्होंने कही है कि वो देश के सम्मान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे, खोने नहीं देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इस बात से उनकी प्रशंसा करते हैं और संपूर्ण भारतवासी उनके साथ खड़ा है। और हम अपनी सरकार को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश के ऊपर जब कभी भी कोई भी हमला होगा, कोई भी विदेशी ताकत हमारी सेनाओं के ऊपर हमला करेगी, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और हम हर प्रकार से उनके साथ हैं। हमने चाइना द्वारा जो ये 15 तारीख को आक्रमण हुआ हमारे सेनाओं के ऊपर, उसके विरोध में भी हमने प्रदर्शन किया है और चाइना का पुतला फूंका।